हाँ तो कैसे हो मेरे कॉमिक्स के दीवाने दोस्तों, आप सभी का करते हैं फिर से एक बार वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज है संडे, और यानी कि फंडे। तो आज हमने निकाली है ये तीन चार कॉमिक्स है जो कि हैं डाइजेस्ट के अंदर। और इसमें सबसे पहले कॉमिक्स है ये गमराज की, जिसमें पांच या छह कॉमिक्स हैं। और इसके बाद ये है सुक्राल सुक्राल सॉरी और इसके बाद ये है एंथनी नंबर 8। तो ये 8 इसमें ये हमें छह कॉमिक्स मिली हैं, और ये सभी कॉमिक्स आई हैं राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी की तरफ से। तो आज के दिन संडे को हम बनाएंगे फंडे, और ये सभी कॉमिक्स आज हम करेंगे रीड। अब देखते हैं ये तीनों कॉमिक्स, तीनों डाइजेस्ट रीड हो पाती है या नहीं। तो कम से कम एक का तो हम टारगेट आज बनाएंगे, ये दोबारा से कॉमिक से पढ़ेंगे तो संडे को बनाएंगे फंडे। तो ये तो आज का हमारा टारगेट है। और इसके अलावा दोस्तों चलिए आज हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो राज कॉमिक्स में यार अब पता नहीं क्या चल रहा है, ये शायद कोर्ट केस कर रखा है मनीष गुप्ता जी ने, संजय गुप्ता जी ने, मनोज गुप्ता जी ने, तीनों भाइयों में अनबन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। और यहां पर श्री मनीष गुप्ता जी ने कुछ कहा था कि कानून के घर अंधेर है देर नहीं, तो ऐसा ही कुछ था। मतलब ये पता नहीं क्या चल रहा है। तो इसका सीधा असर पड़ेगा कॉमिक्स इंडस्ट्री सॉरी कॉमिक्स इंडस्ट्री पे, क्योंकि अब तक जो कॉमिक्स है हमें मिल रही थी, अब ये कानूनी जो पेज के अंदर पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये कुछ सही चलेगा। आगे आने वाले फ्यूचर में देखा जाएगा कि क्या होता है कॉमिक्स का, राज कॉमिक्स का क्या इसका बंटवारा होगा, या किस तरह से क्या इसके जो कानूनी समाधान आने वाला है। और यहां पर अभी तक श्री मनीष गुप्ता जी की भी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। उनके जो तीन जो जो आठ जो जो कलेक्टर एडिशन आने थे उनके बारे में भी अभी किसी तरह की कोई न्यूज नहीं आ रही है। और इसके अलावा चलिए ये तो भी उनके आपस की बात है, उनमें क्या चल रहा है क्या चाहते हैं ये तो अब आने वाले समय ही हमें बता पाएगा कि ये जो लड़ाई है कानूनी लड़ाई ये कहाँ तक जाती है और इसका क्या हल निकलता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अगर कोई भी मतलब इस तरह की एक्टिविटी अगर कोर्ट के अंदर चली जाती है तो उसको सोल्व होने में काफी ज्यादा समय लगता है, क्योंकि कानून क्या देता है, सिर्फ तारीख पे तारीख। क्योंकि सन्नी देओल जी ने कहा है कि कानून देता है तारीख पे तारीख, इसके अलावा न्याय नहीं मिलता है। और अब ये देखना है कि ये कहाँ तक जाता है ये वाला मैटर जो कॉमिक्स का जो अभी चल रहा है, जो कि कानूनी तौर पर अब कानून मतलब कि वहां चला गया या जो भी एक्स वाई जेड हमें नहीं पता। हमें चाहिए सिर्फ कॉमिक, सस्ती कॉमिक्स जहां से भी मिलेगी हम लेंगे कॉमिक, सस्ती कॉमिक्स। ये सस्ती इश्यू हमें मिले थे हमने उठा लिए, मनीष गुप्ता जी की तरफ से सस्ती कॉमिक्स आ रही हैं वो भी हमने उठा लिए हैं। और इसके अलावा अभी संजय गुप्ता जी जो मैग्नेट स्टिकर लेकर आए थे MDF के, काफी शानदार क्वालिटी थी यार। मैंने पिछले वीडियो में आपको वो डोगा की और सुपर कमांडो ध्रुव के स्टिकर दिखाए थे, तो वो आपको भी काफी अच्छे लगे होंगे। 3D लेमिनेटिंग के अंदर वो मैग्नेट स्टिकर थे, काफी शानदार क्वालिटी थी। तो मनीष गुप्ता जी को भी अब यही करना चाहिए कि उन्हें भी अभी जो नॉवल्टीज लेकर आए हैं, नॉवल्टीज के अंदर वो मैग्नेट स्टिकर लेकर आए हैं चौकोर साइज में, और कुछ पोस्टर लेकर आए हैं। उसके अलावा मनीष गुप्ता जी को इन मैग्नेट स्टिकर्स के बारे में भी सोचना चाहिए, जो ओल्ड स्कूल जो स्टाइलिंग आती थी उसके बारे में मनीष गुप्ता जी को सोचना चाहिए। क्योंकि अभी काफी ज्यादा करेक्टर हैं, जैसे भोकाल, भोकाल के अंदर भी कई करेक्टर हैं, तुरीन, शुतान, अति क्रूर, पिकू पकोड़िया और फुचांग, जो एक स्टिकर था काफी क्लासिक स्टिकर था भोकाल और फुनचांग। तो अगर इनके ऊपर मनीष गुप्ता जी अभी भी कार्य करते हैं तो कॉमिक्स प्रेमी को चाहिए क्या, यही तो सब चाहिए। और इसके अलावा परमाणु, डोगा, भेड़िया सॉरी डोगा के तो चलो वो तो संजय गुप्ता जी की तरफ से आए हैं। इसके अलावा मनीष गुप्ता जी अगर चाहें तो इन मैग्नेट MDF की जो बेहतरीन क्वालिटी के ऊपर भी कार्य कर सकते हैं, और उनकी सेल में काफी ज्यादा इंक्रीज बढ़ोतरी होने वाली है। इसके अलावा भी कुछ और भी रोना चल रहा है कॉमिक्स इंडस्ट्री में कि मनीष गुप्ता जी कॉमिक्स अड्डा को कॉमिक्स नहीं देंगे, और वहीं पर संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स कॉमिक्स अड्डा वाला ही कॉमिक्स सॉरी कॉमिक्स अड्डा जो है वो नीलेश मकवाने जी वही बेचेंगे। अब ये पता नहीं यार, ये मार्केटिंग शुरू हो गई है कॉमिक्स इंडस्ट्री में। पहले जो सब मिल बांट कर कार्य चल रहा था वो कार्य अब खत्म हो गया है। अब तो बस मैं तू तू मैं की लड़ाई स्टार्टिंग हो गई है इस कॉमिक्स इंडस्ट्री में। और ये सारा मामला अब कानूनी कानून अदालत में चला गया है। अब अदालत में क्या फैसला आता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि एक बार ये कार्य होने के बाद दोस्तों आपको पता है कि बहुत ज्यादा समय लग जाता है। कानून के घर अंधेर है देर नहीं है ये हमें भी मालूम है, लेकिन फैसला आने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। ऑलरेडी
अदालतों में काफी ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। कहने को तो वकील कह देगा कि 2 से 4 महीने में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस मैटर को 4 से 5 साल मेरे अकॉर्डिंग लगने वाले हैं, क्योंकि जब तारीखें मिलती है ना दोस्तों, तो वो तारीख 3 3 4 4 महीने की ही मिलती है। अब क्या होगा कॉमिक्स का फ्यूचर, ये हमें नहीं पता है। लेकिन एक कॉमिक्स प्रेमी को क्या चाहिए, उसे चाहिए न्यू कॉमिक्स रीप्रिंट और शानदार नॉवल्टी, जो भी एक बेहतरीन रेट पर मिल रहे। और कानूनी अदालतों में क्या चल रहा है, इसका कॉमिक्स प्रेमी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हमें चाहिए सिर्फ टाइम टू टाइम न्यू न्यू कॉमिक्स है, चाहे वो रीप्रिंट हो, अगर रीप्रिंट बेहतरीन क्वालिटी की हो, और इसके अलावा न्यू कॉमिक्स भी हमें चाहिए। और इसके अलावा मनीष गुप्ता जी से एक रिक्वेस्ट है, मनीष गुप्ता जी आप थोड़ा ना ये ध्रुव और भेड़िए इनको थोड़ा छोड़कर ना आप थोड़े अदर करेक्टर की ओर सोचिए, कि जो कॉमिक्स है अभी संजय गुप्ता और मनोज गुप्ता जी ने रिलीज नहीं किए हैं, आप उनकी ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि जो कॉमिक्स है ऑलरेडी वो रिलीज कर चुके हैं, वो लगभग सभी कॉमिक्स प्रेमी के पास वो कॉमिक्स है, और आप दोबारा से वही कॉमिक्स है उन कॉमिक्स प्रेमियों को दे रहे हो जो ऑलरेडी हमारे पास है। इसके अलावा आप अन्य कॉमिक्स के बारे में सोचिए, जिसमें ड्यू ड्यू जो जिस कॉमिक्स में 2 स्टार आते थे, आप उनके बारे में सोचिए, वो कॉमिक्स लेकर आइए आप ये मेटेलिक कलेक्टर एडिशन के अंदर, तो उसके भी चाहने वाले काफी हैं। इसके अलावा भोकाल है, भोकाल की जो स्टार्टिंग के कॉमिक्स थी उनका अभी तक किसी ने भी कलेक्टर एडिशन पेश नहीं किया है, तो आपके लिए ये एक बेहतरीन मौका हो सकता है मनीष गुप्ता जी, कि आप जो भोकाल की जो स्टार्टिंग की जो आई थिंक 19 कॉमिक्स हैं, तो उनका आप 3 पार्ट में एक बेहतरीन कलेक्टर एडिशन ला सकते हो मेटेलिक के अंदर बिग साइज में, तो उसको लेने वाले काफी ज्यादा है। भोकाल की भी काफी बेहतरीन कॉमिक्स से हैं मनीष गुप्ता जी, तो आप उनकी ओर भी थोड़ा सोच सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो एमडीएफ के मैग्नेट स्टिकर भी ला सकते हो, जैसे अभी संजय गुप्ता जी लेकर आए हैं, आप थोड़ा सा बड़ा साइज ला सकते हो, बेहतरीन क्वालिटी हो सकती है अगर आप चाहो तो, क्योंकि भोकाल के भी काफी ज्यादा चाहने वाले हैं। और ओल्ड वाला भोकाल तो लगभग सभी का फेवरेट है, जिसमें तुरीन शुतान अति क्रूर, मतलब कि वो भोकाल का एक अलग ही ट्रेंड क्रेज था, जबरदस्त क्रेज था, तो आप चाहो तो इस मौके को भुना सकते हो। क्योंकि संजय गुप्ता जी तो शुरुआत कर दी है नॉवल्टीज के मामले में, अभी वो नागराज ध्रुव और डोगा की मैग्नेट स्टिकर लेकर आए हैं, अब आने वाले समय में श्री संजय गुप्ता जी भोकाल के भी ला सकते हैं, परमाणु के भी, भेड़िया, मतलब कि काफी इनके करेक्टर हैं। जैसे भोकाल है तो भोकाल के साथ 4 5 करेक्टर आपको अवश्य मिल जाएंगे, इसी तरीके से ध्रुव है तो ध्रुव के साथ भी आपको 4 5 करेक्टर सॉरी जो उनके जो चलो जो भी है, जैसे कि वो अपने जो नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी दोस्तों। और इसके अलावा मतलब कि काफी ज्यादा मैग्नेट स्टिकर आप अलग अलग क्वालिटी में ला सकते हो, काफी करेक्टर वाइज होते हैं, परमाणु के साथ काफी करेक्टर हैं, डोगा के साथ काफी करेक्टर हैं, जैसे लोमड़ी हो गई और अदरक चाचा, तो इनके भी आप मैग्नेट स्टिकर एक बिग साइज में, कभी सिंगल में, कभी कॉम्बो के अंदर आप इस तरह के मैग्नेट स्टिकर ला सकते हो। और ये देखो जी मनीष गुप्ता जी, पोस्टर पोस्टर का क्या करेंगे, इतनी दीवारें नहीं है पोस्टर चिपकाने के लिए कि हम पोस्टर मंगाएंगे, कि आप 10 पोस्टर जो मैंने भी ऑर्डर किए थे उन्हें कहाँ लगाऊं, कहाँ दीवार खराब करूं, मैं तो इतनी जगह नहीं है मनीष गुप्ता जी। तो मैग्नेट स्टिकर का ये होता है कि हम उन्हें फ्रिज पर लगा देते हैं, पहले वाले उतार दिए, नए लगा दिए, तो इस तरह का जो रिसाइकिल चलता रहता है, तो आप थोड़ा इस ओर पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो आपने जो आपकी जो अदालती कार्रवाई चल रही है तीनों भाइयों के बीच, क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए टाइम टू टाइम कॉमिक्स। अब वो आपकी तरफ से आए, चाहे संजय गुप्ता जी चाहे मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए, हमें चाहिए सस्ते रेट पे कॉमिक्स। देखिए मनीष गुप्ता जी, ना तो हम आपके खिलाफ हैं और ना आपके साथ हैं, साथ का मतलब ये है कि हम सिर्फ कॉमिक्स के साथ हैं। मैं तो जी राज सॉरी मनोज मनीष गुप्ता जी, मैं कॉमिक्स के साथ हूँ। अब वो आपकी तरफ से बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी तो मैं आपके साथ हो गया, अगर वो दूसरी तरफ से क्वालिटी मिलेगी तो मैं उनकी साइड हो जाऊंगा। तो मुझे चाहिए बेहतरीन क्वालिटी वाजिब रेट पे। और आपका ये जो चल रहा है मैटर, इसके बारे में तो मुझे कुछ बात नहीं करनी है, क्योंकि इससे सिर्फ कॉमिक्स इंडस्ट्री को ही नुकसान होने वाला है, आना जाना कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा आप तीनों भाई मिलकर बैठकर अपना डिसीजन कर लीजिए, फाइनल डिसीजन कर लीजिए। भी वहां से भी कॉमिक्स आ रहे हैं, ठीक है, अब अपने कॉमिक्स प्रिंट कर रहे हैं, आप अपनी कॉमिक्स प्रिंट कर रहे हो, अब अंदर का मामला क्या है, इस बारे में मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा। कई बार तो लगता है कि चलो छोड़िए जो भी बात है। तो आई होप फ्रेंड यू विल एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह के कोई टॉपिक लेकर आएंगे, कोई बात करेंगे कि कॉमिक्स इंडस्ट्री लगभग खत्म होने की कगार पर है या नहीं है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसके बारे में अभी मैं किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम ए बिग कॉमिक्स फैन फॉर राज कॉमिक्स। मुझे राज कॉमिक्स बचपन से पसंद है और अभी मैंने सारी कॉमिक्स ली हैं, और
आने वाले समय के अंदर भी मैं सारी कॉमिक्स बाय करूंगा अगर मुझे वाजिब रेट पर सस्ती जहां भी मिलेगी। इसे आप मेरा दोगलापन मत समझिए, ये मत समझिए कि मैं संजय गुप्ता जी के खिलाफ हूँ, मनीष गुप्ता जी के खिलाफ हूँ या फिर मनोज गुप्ता जी के खिलाफ हूँ। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ राज कॉमिक्स के साथ हूँ, साथ था, साथ रहूंगा हमेशा के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।